नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नकुल अरोड़ा और टैक्स फॉर वेल्थ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। पूरी तरीके से हम लोग आप तक सही इन्फॉर्मेशन लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज हम जुड़े हैं बात करने के लिए कंपनी फ्रेश सेटलमेंट स्कीम, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 के बारे में बात करने के लिए। अगर मैं इसे सीधे शब्दों में और अपने शब्दों में कह दूं तो मैं कहूंगा कि ये कंपनी के लिए गंगा स्नान की स्कीम है। यानी कि इस स्कीम में आने से आपने जो कुछ पाप कर दिए, जो लापरवाहियां इतने सालों में की हैं, वो सब पाप आपके इस स्कीम में अंदर आके धुल जाएंगे। आज स्कीम के कुछ दो चार दिन पहले इसके कुछ FAQs रिलीज हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हम उसके बारे में जरा बात करके चलेंगे। अगर आपको इनमें से कोई सवाल है तो आपके सवालों का जवाब देने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। तो जैसे कि इसमें कौन कौन से डिफॉल्ट कवर होते हैं, इसमें सबसे जरूरी फाइलिंग रिलेटेड डिफॉल्ट यानी कि डिले इन फाइलिंग, वो डिफॉल्ट यहां कवर होंगे जिनमें फाइलिंग का डिले हुआ है। ये स्कीम कोई अनलिमिटेड स्कीम नहीं है, ये स्कीम का एक दायरा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक ही आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और अगर ये समय आपने मिस कर दिया तो 30 अप्रैल के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो एक लिस्ट जारी कर देगा कि ये लोग फाइनल डिफॉल्टर्स हैं। तो ये गया तो कंपनी गई, यानी कि ये आखिरी मौका, और इससे साफ मौका शायद नहीं मिलेगा कि आपकी हर डीले फीस, हर पेनल्टी प्रोसीडिंग सब यहाँ माफ हो जाएगा, लेकिन आपको जो नॉर्मल फीस थी वो दे के आपको अपने काम आगे बढ़ा लेने हैं। अब जो डॉक्यूमेंट फाइल करने में जहां डिफॉल्ट हुआ है सिर्फ वही जगह कवर होगी, इसमें कुछ अलग तरह के डिफॉल्ट कवर नहीं होंगे। जैसे सेक्शन 42(8) कंपनीज एक्ट कहता है कि जो आपके शेयर्स इशू होने हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से, उसे एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक उसकी अलॉटमेंट का लेटर जो है वो फाइल कर देना होता है। आपने अलॉटमेंट की डिटेल्स है वो फाइल करनी होती है ROC को। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि उसी सेक्शन 42 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि आपको उस अलॉटमेंट के पैसे को, यानी कि उस प्राइवेट प्लेसमेंट के पैसे को तब तक यूज नहीं करना है जब तक कि आप उसकी अलॉटमेंट की डिटेल फाइल ना कर दें। अब जो ये आपको इम्यूनिटी मिलेगी इस CFS कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम से, वो सिर्फ और सिर्फ उस पेनल्टी या उस प्रोसीडिंग की मिलेगी जो कि फाइलिंग से रिलेटेड है, ना कि जो आपने पैसा यूज किया अलॉटमेंट की डिटेल फाइल करने से पहले, वो आपको यहाँ पर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सिर्फ जो फाइलिंग रिलेटेड डिफॉल्ट है उसी की इम्यूनिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। और हाँ, जिस डेट पे आप स्कीम ले रहे हैं उससे पहले ये डिफॉल्ट हुआ होना चाहिए और ये पेंडिंग होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस स्कीम में आने के। अब यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की टर्म यूज हुई है, वो आपका ROC है जो उस कंपनी के ऊपर अपनी ज्यूरिसडिक्शन रखता है, वो ROC ही डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी सर्टिफिकेट की। अगर आप कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 के दायरे में आ जाएं, तो आपको बाकी बची सभी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स या हर प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी ग्रांट होगी। अब ये इम्यूनिटी ग्रांट कराने के लिए क्या करना है, आपने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम यानी कि CFSS 2020 नाम का एक डिक्लेरेशन फाइल करना है इस फॉर्मेट में। ये डिक्लेरेशन जब आप फाइल करेंगे ना, तो ये 30 सितंबर तक आपको फाइल करना है। लास्ट डेट इसकी भी 30 सितंबर है। इसकी कोई भी फीस नहीं है, सरकार ने कोई भी फीस इसकी तय नहीं करी है। तो आपने सिर्फ ये फॉर्म भर के डिक्लेरेशन आपने फाइल कर देना है। अब इसका आगे क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, इसका कॉन्सिक्वेंस ये रहेगा कि आपको एक लेटर डिक्लेयर होगा इसी के बेसिस पर, जो कि आपको इम्यूनिटी ग्रांट करेगा किसी भी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के से आगे, लेकिन वही सिर्फ फाइलिंग रिलेटेड डिफॉल्ट की पेनल्टी प्रोसीडिंग। लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए कोर्ट में कोई केस है या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है जो कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल में है, उसके अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम में नहीं मिल पाएगी। ये गंगा स्नान सिर्फ और सिर्फ आप तब कर पाएंगे अगर आपका जो डिफॉल्ट है वो फाइलिंग रिलेटेड है, और बाकी डिस्प्यूट मैनेजमेंट रिलेटेड, फ्रॉड रिलेटेड, वहां पे ये स्कीम नहीं आएगी। अगर आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कोई ऑर्डर आ गया है और आपने उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करी, तो मेरी बात समझिए, आप फिर इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे अगर आपने अपील फाइल नहीं करी। हालांकि अगर 1 मार्च से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, 1 मार्च से लेकर मई तक, 31 मई तक आए हुए जो भी ऑर्डर्स हैं उनमें एक एडिशनल पीरियड ऑफ 120 डेज ऑफ फाइलिंग एन अपील मिलेगा आपको, जहां पर वो 1 मार्च से लेकर 31 मई तक 120 डेज का जो पीरियड मिलेगा
वहां पर सेक्शन 454(8) में जो पेनल्टी या कोई प्रोसीडिंग्स है वो भी इनिशिएट नहीं हो पाएंगी, आप उससे भी इम्यून रहेंगे, लेकिन आपको उसके अलावा जो उससे पहले यानी कि 1 मार्च 2020 से पहले आए जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के जो भी ऑर्डर्स हैं, अगर आपने उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करी है, वो अनअपील्ड फॉर ऑर्डर्स हैं और आपने उनका कंप्लायंस भी नहीं किया है, वहां पर आपको ये स्कीम इम्यूनिटी नहीं दिला पाएगी। अब बात कर लेते हैं इनएक्टिव कंपनीज की, यानी कि जो हमारी डॉर्मेंट कंपनीज होती है उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर है, जिन कंपनीज ने ना फाइलिंग करी है ना कुछ काम किया है। देखिए, आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी सारी फाइलिंग है और काम आपने किया नहीं था। अब आपके पास दो बहुत सीधे सीधे विकल्प कंपनीज एक्ट ने आपको दे दिए हैं। पहला ये है कि MSC1 में फाइल करके आप एक डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लीजिए और मालिक बैठ जाइए। नहीं, अगर आप उस कंपनी में काम करना ही नहीं है तो क्यों समय खराब कर रहे हैं, STK-2 फाइल कीजिए, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कराइए और सिर्फ STK-2 की जो फीस है वो दे दीजिए, बाकी डीले की सारी पेनल्टी प्रोसीडिंग से आपको निजात और छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आज ही एक प्रोफेशनल को कॉल कर लीजिए, एक प्रोफेशनल को हायर कर लीजिए, वो आपको इस स्कीम का पूरा लाभ दिला देगा, क्योंकि इतनी ह्यूज पेनल्टीज जो पहले से पेंडिंग थी, देखिए कहीं ना कहीं ये समझना होगा, अगर पहले स्कीम दी जा रही है आपको इससे बचने की, तो 30 सितंबर के बाद जब ये स्कीम खत्म होगी तो गवर्नमेंट बचे हुए केसेस पर एक्शन भी लेगी। इस मौके को गवाइएगा नहीं, गंगा स्नान बिल्कुल सही नाम मैंने इसे दे दिया है। अब कुछ कंपनियां जिन पे ये स्कीम लागू नहीं होगी, या तो वो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, या नोटिस आ गया है, या एप्लीकेशन हो गई है, या उसने अमलगमेशन कर लिया है, या डॉर्मेंट होने की एप्लीकेशन ऑलरेडी स्कीम आने से पहले दे दी थी, या कोई वैनिशिंग कंपनी है, या फिर जहां पे जिस फॉर्म या जिस फाइलिंग की बात हो रही है वहां ऑथराइज्ड कैपिटल के इंक्रीज होने की कोई बात चल रही है, या फिर चार्ज रिलेटेड जो फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स के डीले जो हैं, इन फॉर्म की फाइलिंग में आए डिफॉल्ट्स को हम इस कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम के दायरे में नहीं ला सकते हैं। CFSS 2020 के दायरे से इसे अब भी बाहर रखा गया है, और जो भी अपील वगैरह आपने करी है ना, जो अपील ऑलरेडी अपील में है, वो अपील आपको वापस ले लेनी है, और फाइलिंग रिलेटेड वाले डिले ही पेनल्टी और प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन से बच पाएंगे। कोई एडिशनल फीस आपको नहीं देनी होगी, जो पेमेंट्स होंगी वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 के हिसाब से ही आपको पेमेंट्स करनी है, जो नॉर्मल फीस लगती है सिर्फ वो फीस देनी है, और इम्यूनिटी सर्टिफिकेट जो है आपको आपकी डिक्लेरेशन CFSS 2020 के बेसिस पर मिल जाएगा। और बाकी सब बातें जो है, ये थे हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमारे कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम से रिलेटेड आ रहे हैं। टैक्स फॉर वेल्थ पूरी तरीके से कमिटेड है, पूरी तरीके से तत्पर है आप तक सही इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक लाने के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आ रहा है, जो ज़रूरत का कंटेंट है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में आके पूछिए आप किस चीज़ किस और टॉपिक को और क्लैरिटी चाहेंगे। जिस भी तरह हो पाए, जैसे भी रिसोर्स हो पाए, टैक्स फॉर वेल्थ इज टोटली कमिटेड टू मेक श्योर यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एंड फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।